अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी साइकोलॉजी की सेकंड क्लास है और बुक आप लोग खोल लीजिए। और जहाँ से कल हमने जो है वो स्टार्ट किया था, सिगमंड फ्राइड का टॉपिक जो है वो कल हमने पढ़ा था, उससे नेक्स्ट आज हम जो है वो एडवर्ड टॉलमैन पढ़ेंगे। तो आप लोग यूं करिए कि बुक्स आप लोग खोल लें सबसे पहले, और ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। अगर आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही तो आप जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? टॉलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने टॉपिक पढ़ा था सिगमंड फ्राइड और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा और आपने याद भी किया होगा। नेक्स्ट में आ रहा है दी टॉलमैन कॉग्निटिव थ्योरी। टॉलमैन कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो एडवर्ड टॉलमैन ने प्रेजेंट की है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम हुआ है टॉलमैन के हवाले से, उसमें जो मेन पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, परसेप्शन है, रीइंफोर्समेंट है, कॉग्निशन है, कंडीशनिंग है, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हुआ है। तो बेसिकली कोग्नेटिव मैप की बात अगर हम करते हैं टॉलमैन के हवाले से, तो वैसे भी साइकोलॉजी में हम कोग्नेटिव मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब भी फर्द किसी भी काम के हवाले से अपने आप को उस चीज़ की एहसास जिम्मेदारी को महसूस करता है, या कोई भी काम जिसको वो करना चाहता है, तो सबसे पहले वो उसके हवाले से एक अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कोग्नेटिव मैप डिजाइन करता है। कॉग्निटिव मैप या वकूफी नक्शा एक ऐसी सिचुएशन होती है जब वो उस सिचुएशन में जिन जिन चीजों के हवाले से वर्क कर रहा होता है, वकूफ कर रहा होता है, तो वो उसकी कॉग्निटिव मैप में के थ्रू वो चीजें जो हैं वो डिजाइन हो रही होती हैं। जैसे कि हम किसी भी कहानी को सुनते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, तो उस चीज के हवाले से पहले से हम एक आइडिया या स्केच जिसको कहते हैं वो अपने जहन में बना लेते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। रीइंफोर्समेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो एडवर्ड टॉलमैन ने अपने कॉग्निटिव थ्योरी में रीइंफोर्समेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उसने कहा है कि रीइंफोर्समेंट को उर्दू में हम तकवीयत भी कहते हैं, इनाम भी कह सकते हैं, कुमक भी कह सकते हैं। उसके नज़दीक लर्निंग इन्वायरमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, तो जो चीज़ सबसे ज्यादा आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है वो रीइंफोर्समेंट है। कैसे मॉडिफाई करती है? जैसा कि हम अपनी आदत की तश्कील करते हैं, हम अपनी आदत को चेंज करते हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, अपनी ग्रूमिंग करते हैं, तो जहाँ से हमें ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, सताइश मिलती है, जहाँ से हमें लोग ज़्यादा चाहने वाले या सराहने वाले या हमारी तारीफ करने वाले होते हैं, उन लोगों की तरफ से मिलने वाला टोकन ऑफ रीइंफोर्समेंट या अप्रिसिएशन हमारे बिहेवियर को मजीद मॉडिफाई करते हैं, हम मजीद ग्रूमिंग करते हैं। ऐसा ही है ना, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से, मजीद अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हर इंसान को जो है वो तारीफ या सताइश जो है वो अच्छी लगती है। तो जो इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, इसने ये कहा कि आमोजिश की बुनियाद मशरूतियत की निस्बत ज्यादातर इदराक पर होती है, कि फर्द कंडीशनिंग से भी सीखता है, लेकिन कंडीशनिंग के साथ साथ वो अपने फहमो इदराक से ज्यादा सीख रहा होता है। और ये बात है कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो इसी हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो कंडीशनिंग है उससे तो बहुत सी चीजें अनकॉन्शियसली भी हम सीख रहे होते हैं। जैसे कि आपने डॉग एक्सपेरिमेंट पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो फिर भी सीख रहा है थ्रू रेपिटेशन। बहुत सी चीज़ों को वो सीख रहा है। जब दो चीज़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा तकरार होता है, तो उनके दरमियान कंडीशनिंग पैदा होना शुरू हो जाती है।
तो वो उस कंडीशनिंग से बहुत सी चीज़ों को सीखना शुरू और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती है। जब दो आइटम्स के दरमियान चीज़ें यूं दोनों को मिला के सीखना शुरू होती हैं तो फिर उसके बाद हायर ऑर्डर कॉग्निशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो उसके हवाले से देखा जाए तो उसके नज़दीक ये चीज़ें तो आप देखें ना, एक एनिमल के ऊपर भी कर सकते हैं कि आप एक एनिमल को भी कंडीशनिंग के थ्रू सिखा सकते हैं, लेकिन इंसान का किरदार तो इससे बहुत आला है, बहुत पेचीदा है। इंसान को समझाने के हवाले से और इंसान को कोई वर्क करने के हवाले से हम उसकी कॉग्निशन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके फहमो इदराक पे बहुत काम करते हैं, उसकी इंसाइट लर्निंग पे बहुत काम करते हैं कि कैसे उसकी इंसाइट लर्निंग या उसकी सोचने समझने की सलाहियतें जो होती हैं उसके काम को अच्छा करने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। ठीक है, तो परसेप्शन जो है वो इंसान, देखिए एनिमल्स में तो हम परसेप्शन का परसेप्शन को ऑब्जर्व नहीं ना कर रहे होते कि वो किस तरह से चीज़ों के बारे में परसेप्शन कायम करेंगे, उनकी इनसाइट लर्निंग क्या होगी, वो किस तरह से सीखेंगे। ये जो एलिमेंट होता है, फैक्टर होता है परसेप्शन के हवाले से, ये इंसानों के लिए, इंसानों में बहुत ही आला होता है, मतलब हायर स्टेज पे होता है, जिसमें जो जो हायर, जिसको कहते हैं ना हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनकी डेवलप होने के हवाले से होता है। तो वो जितनी ज़्यादा एबिलिटीज रखते हैं उनका परसेप्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके अलावा इसने जो है वो इनसाइट लर्निंग के हवाले से बात की कॉग्निटिव मैप के बाद, इसने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो कंडीशनिंग से सीखते हैं और डिफरेंट चीज़ों से सीखते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, इंसानी नफ्सियात की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें इनसाइट लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान जो है अपने फहम व इदराक से अपने सोचने समझने की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इनसे सीखते हैं। देखिए इसका जो आप देखें ना मेन टॉपिक है जो है वही कोग्नेटिव थेरी है। मतलब कोग्नेटिव क्या होता है? कोग्नेटिव का मतलब होता है सीखना और सोचना समझना, वकूफ। तो सोचने समझने की सलाहियतें कैसे पैदा होती हैं? जब इंसान अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में या उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो कैसे काम कर रहा होता है, किस तरह से सीख रहा होता है, किस तरह से वो चीज़ों को ले रहा होता है, किस तरह से वो काम कर रहा होता है, क्या वो थ्रू कंडीशनिंग कर रहा होता है या डिफरेंट उसमें एलिमेंट आ रहे होते हैं। तो इसमें जो परसेप्शन, रीइंफोर्समेंट और इनसाइट लर्निंग है, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि फर्द अपने शऊर से किस हद तक आगाह है और अपनी जो उसके अपने पर्सनल खामियों और खूबियों से वो कितना आगाह है और अपने उन खामियों और खूबियों को जानते हुए वो कितना इनके ऊपर काम कर सकता है और किस हद तक वो अपनी ग्रूमिंग कर सकता है। तो इनसाइट लर्निंग जो है वो आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती है। तो कॉग्निटिव मैप के हवाले से इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, ठीक है, जिसके हवाले से मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कॉग्निटिव मैप के हवाले से, कॉग्निटिव वकूफ़ी नक्शे की तारीफ के हवाले से, उसको समझाने के हवाले से। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है नील मिलर एंड जॉन डॉलर्ड थ्योरी है। तो इसमें जो नील मिलर एंड जॉन डॉलर्ड का नज़रिया है, मेन इसमें जो बेसिकली है, इसने जो मेन प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है, स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन है डिफरेंट साइंटिस्ट का आपस में कि किन किन वजूहात की बिना पर ये नज़रिया डिवेलप हुआ और किन किन लोगों के साथ ये इस नज़रिए की किन किन साइंटिस्ट के नज़रियात के साथ मुआफ़त है। तो स्टार्ट में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो बेसिक इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जानवरों पर तहकीकात करने के बाद नील मिलर जॉन डॉलर ने कुछ कश्मकशी सूरत हाल को समझने में जो असूल वज़ा किए हैं। कश्मकश क्या होती है? कश्मकश एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, जिसमें फ़र्द जो है तसादम का सूरत हाल होती है, जिसमें फ़र्द को समझ नहीं आ रही होती कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे क्या कैसे अपने आप को किस डायरेक्शन की तरफ लेना लेके जाना चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरे लिए क्या काम ज़्यादा अच्छा है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो वो जो कश्मकश की जो सूरत हाल होती है ना, जिसमें आप दो या चार, दो से ज़ायद मुहरकात के दरमियान सही तरह से फैसला नहीं कर पाते या आप मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान तसादुम का शिकार हो जाते हैं, तो वो असूल जो हैं उनको उसने वाज़ेह किया। अच्छा, नंबर वन पे जो आप लोग बेटा बुक सामने रखिएगा,
उसमें आप देखिएगा पेज नंबर 119 पे मैं पढ़ रही हूँ जॉन मिलर का नजरिया। तो उसमें ये जो चार उसने असूल इसके बताए हैं, तो वो नंबर वन पे इसका है फर्ज, जितना ज्यादा अपने मकसद या मंजिल के करीब होता है इतना ही ज्यादा मतलूबा मकासद या मंजिल तक पहुंचने का रुझान और इरादा कवी हो जाता है। इसे रसाई का तनासुब कहा जाता है, मतलब कि फर्ज जितना ज्यादा अपने मकसद या अपनी मंजिल के करीब होता है इतना ज्यादा उसमें और भी ये जज्बा पैदा होता है कि मैं मजीद थोड़े से टाइम के बाद मैं फौरी तौर पर अपने उस जहां पर मुझे पहुंचना है मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। उसका तनासुब और इरादा जो है वो और भी पुख्ता हो रहा होता है। गुरेज का तनासुब भी इसी तरह का होता है, कोई शख्स जितना ज्यादा डरावनी चीज के या खतरनाक चीज के करीब होगा इतना ही ज्यादा उस चीज से दूर भागेगा, तो ये गुरेज का रुझान जो है वो उसका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जितना जितना वो उस चीज के करीब होता जाएगा उतना ही ज्यादा उसको और खौफ आएगा और वो उतना ही उससे दूर भागना चाहेगा। गुरेज भाई का रुझान रसाई के रुझान की नस्बत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, मतलब कि इंसान में जो खौफ है ना या कोई फियर्स हैं तो वो उस चीज अप्रोच से ज्यादा वो इंसान को खौफजदा कर रहे होते हैं। ये कहा जा सकता है कि गुरेज का तनासुब रसाई से ज्यादा होता है। रसाई और गुरेज दोनों के रुझानात में तहरीकात की कुव्वत के साथ तब्दीली होती है। इसी तरह कहा जा सकता है कि एक ताकतवर तहरीक रसाई और गुरेज के तनासुब को बढ़ा देती है, मतलब कि उसके पीछे जो उसके बैकग्राउंड में जो एक मोटिव होता है वो उसको कर रहा होता है। तो डिफरेंस बिटवीन अप्रोच इज अवॉइडेंस, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो असल में यही था कि जो इसके हवाले से प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। अच्छा बेटा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट। तो पाकिस्तान के हवाले से बेसिकली साइकोलॉजी पे इतना काम नहीं हुआ, मतलब कि डॉक्टर एक दो ही बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, डॉक्टर हामिद शेख हैं और डॉक्टर लईक मिर्ज़ा है, जिन्होंने मुख्तलिफ टेस्टिंग की और मुख्तलिफ टेस्ट डिज़ाइन कर टेस्ट जो हैं उनको रिव्यू किया, रिफाइन किया और उनको मकामी बनाने में अहम किरदार, मतलब कि वो अगर इंटरनेशनल बैन अवी तौर पर उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग उनको किस तरह से करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ। उनकी वैलिडिटी चेक की गई, रिलायबिलिटी चेक की गई उन टेस्ट की, तो बेसिकली इसके हवाले से थोड़ा सा काम हुआ। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिकली अगर हम टेस्टिंग को या हम पर्सनैलिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली उसको कैटेगराइज किया जाता है टू मेन इसकी जो टाइप्स हैं उनमें। पहली जो इसकी टाइप है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और जो इसकी आगे जाके हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे वो इसकी टाइप है नॉन ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। मतलब कि हम साइकोलॉजी में इन पर्सनैलिटी के टेस्ट को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, दो एग्जाम इसकी बयान लिखी गई हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरी नॉन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है तो दोनों जो टेस्ट हैं ये साइंटिफिक हैं, और ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव से मुराद मारूजी टेस्ट हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट शख्सियत की ऐसी मारूजी आजमाइशें हम कह सकते हैं जिनके सवालात के जवाबात बहुत मुख्तसर होते हैं या हाँ नहीं में पूछे गए होते हैं, या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उनको बस फिल इन द ब्लैंक्स, उनको बस ट्रू फॉल्स जल्दी जल्दी से उसको करके कर देना होता है, पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है कोई, या उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को हमने उसको उसमें टिक करना होता है। हाँ, अब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो पर्सनैलिटी के कैसे टेस्ट हैं, मतलब कि उनमें क्या पर्सनैलिटी के हवाले से ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। मतलब कि ये टेस्ट इसलिए बनाया गया है ना कि पर्सनैलिटी को जज किया जा सके कि फर्द की पर्सनैलिटी कैसी है।
तो उसमें पहले तो आपको पता है नॉन साइंटिफिक जो थेरीज थी वो प्रेजेंट की गई कि सर बड़ा होगा तो फर्ज की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, उसके हाथ पांव ऐसे होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, उसके चेहरे के खदोखाल ऐसे होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कि गैस या अंदाज़ा कह सकते हैं, या नॉन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, गैर साइंसी तरीका कह सकते हैं। लेकिन जो अथेंटिक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, जो अथेंटिक टेस्ट साइकोलॉजी के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो उसमें जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हैं जब ये डिज़ाइन किए जाते हैं किए गए हैं, तो मिसाल के तौर पर इसमें MMPI आ रहा है, 16 PF है, CPI है, ठीक है, EBPS है, ACL है। तो जब ये टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं तो इनमें ऐसी क्या मेन चीज़ थी, या मेन इनमें क्या ऐसे टेस्ट आइटम थे जिसकी बेस पर इनको प्रूव किया गया, ये अथेंटिक बेस में आ गए, इनको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, इसकी क्या ऐसी वजूहात थी। तो सबसे अहम चीज़ जो टेस्टिंग के हवाले से है, तो हम किसी भी अगर चाहे हम डिसऑर्डर के हवाले से कोई टेस्ट बना रहे होते हैं, या हम वो टेस्ट जो है वो हम नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे हम इंटेलिजेंस की कर रहे होते हैं, चाहे हम परसेप्शन की कर रहे होते हैं, चाहे हम लर्निंग की, या हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को किसी भी तरह से अगर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम जब टेस्ट आइटम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो हमारा टेस्ट आइटम है, जो एक सवाल होता है वो एक टेस्ट आइटम के तौर पर जो है वो हमारे, हम उसको एक टेस्ट आइटम का नाम देते हैं। तो वो जो हमारे सामने वो टेस्ट आइटम मौजूद होता है, वो एक जो सवाल हमारे पास मौजूद होता है, हमने ये देखना होता है कि उस सवाल वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसकी वर्डिंग बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, वो टेस्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें जो बात पूछी जाए वही उसमें, ताकि समझने वाले को समझ आ जाए कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे क्या क्वेश्चन किया गया है, ताकि वो उसको आसानी से आंसर कर सके। ये एक अच्छे टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाता है कि जब भी आप एक अच्छा टेस्ट डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर एक सवाल में आप दो तीन बातें पूछ रहे हैं, या उसमें कोई इबहाम है, कन्फ्यूजन है, वर्डिंग टफ है, या समझ नहीं आ रही, तो आप जो जो उसके नतायज हैं, ठीक है, उस टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनकी जांच पड़ताल नहीं कर सकेंगे, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे, अगर टेस्ट आप अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे, या आप एक अच्छा टेस्ट डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो एक अच्छा टेस्ट वो होता है जो दूसरों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है, और दूसरों का जो स्कोर है, लोगों का स्कोर उस टेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा होता है, टेस्ट की रिलायबिलिटी अच्छी होती है, टेस्ट की वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, टेस्ट की जो रिलायबिलिटी होती है और जो वैलिडिटी होती है, ये एक दफ़ा आप अपने पास नोट भी कर लें, कि नोटबुक आप निकालें, पेंसिल लें और इस चीज़ को नोट करें कि एक अच्छा जो टेस्ट होता है, अगर उसकी हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी उसकी ये होती है कि वो एक अथेंटिक टेस्ट होता है, और एक रिलायबल टेस्ट एक अथेंटिक टेस्ट होता है, और उसका स्कोर जितनी दफ़ा भी आप उसको रिवाइज करते हैं, जितनी दफ़ा भी उसकी एप्लीकेशन करते हैं, जितनी दफ़ा भी उसकी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हर बार आपको रिलायबल स्कोर मिलता है। मतलब ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपको उसमें से 10 नंबर आ रहे हैं, और एक दफ़ा आपने उसको अगेन रिपीट किया तो उसको उसमें से 20 आ गए हैं, और अगेन किया तो उसमें से 30 आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि हर बार जब आपने टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको उसके ऊपर जो टेस्ट के ऊपर जो स्कोर मिलेगा वो डिफरेंट होगा।
कभी तो उस टेस्ट का स्कोर बहुत सॉरी डिफरेंट नहीं मिलेगा, उसका रिलायबल स्कोर होगा जिसमें उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे, ये रिलायबल होगा। कभी तो उसके उसमें अगर टेस्ट में 19 मार्क्स आ गए तो उसमें बाज़ औक़ात 20 आ जाएंगे, 19-20 का फर्क भी हो सकता है एक दो फिगर का उसमें, लेकिन ये है कि रिजल्ट सेम सेम होंगे, मिलते जुलते होंगे, ये रिलायबल टेस्ट होगा। अगर उसके रिजल्ट्स मिलते जुलते नहीं होंगे, उसमें गैप बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। इसी तरह से हम अगर टेस्ट की वैलिडिटी की तरफ आते हैं, तो टेस्ट की वैलिडिटी ये होती है कि टेस्ट जितनी दफा भी अप्लाई किया जाता है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और टेस्ट का मकसद होता है, टेस्ट जिस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है वो उसके मियार या उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होता है। मतलब कि टेस्ट फर्ज करें आपने पर्सनैलिटी के लिए डिजाइन किया है, तो वो पर्सनैलिटी के हवाले से एक अच्छा टेस्ट होगा, ना कि वो ऐसा टेस्ट होगा कि वो पर्सनैलिटी पे तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा लेकिन किसी और चीज पे हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है। देखें थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर चेक करने के लिए, अगर वो टेम्परेचर को चेक ही नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि टेस्ट थर्मामीटर जो है हमारे पास वैलिड नहीं है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके मियार पे पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उनको जिस मकसद के लिए बनाया जाता है वो उसके मियार पर पूरा उतर रहे होते हैं, ये उस चीज की वैलिडिटी कहलाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या नॉन ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, मतलब कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट आइटम बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ही लंबा टेस्ट नहीं होना चाहिए जो आप फिल करवा रहे होते हैं, और उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये एक अच्छा टेस्ट कहलाता है। और अगर हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, अब हम मजीद इसमें नेक्स्ट जो वन बाय वन हम इनको स्टार्ट करते हैं कि इनमें जो मारूजी आजमाइशें हैं पर्सनैलिटी की वो कौन कौन सी हैं, मतलब कि हम किसी फर्ज की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए फर्ज करें कि सबसे पहले अगर MMPI स्केल लगाते हैं तो उस पर वो कैसा स्केल है, वो क्या रिजल्ट सामने आते हैं, अगर 16 PF लगा रहे हैं तो वो कैसा स्केल है और क्या रिजल्ट उसके सामने आ रहे हैं। बहुत से मारूजी पर्सनैलिटी के हवाले से मारूजी आजमाइशें बनाई गई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मारूजी आजमाइशें हैं वो यही हैं जो जिनका जिक्र आपकी बुक में किया गया है। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं MMPI की तरफ, मैनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MMPI किसके एब्रीवेशन है, द मैनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है, इसके ऊपर स्टॉक हथवे और मैकेनले ने काम किया, और इसके हवाले से पहले इसके आइटम्स की तादाद ज्यादा थी लेकिन कुछ टाइम के बाद आइटम को समराइज करके इसकी जो टेस्ट आइटम है वो कम कर दिए गए, मतलब इसमें जो सवालात हैं वो कम कर दिए गए, जो मिलते जुलते सवालात थे उनको थोड़ा सा एक ही शॉर्ट नोट में लिख के एक टेस्ट आइटम बना दिया गया। इसके हवाले से MMPI पर इतनी तहकीक हुई कि 1976 तक MMPI पर सिर्फ अमरीकी अदब में 3500 हवाले इकट्ठे हुए। एनेस्टेसी के हवाले से कहा जाता है कि जब ये सवालनामा जो है अब हिजानी खलल की तफ्तीश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शख्सियत की आम पैमाइश के लिए भी। हिजानी खलल क्या होता है, जब इमोशनल डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए भी इसको हम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिसऑर्डर्स और हम नॉर्मल टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो मजमूई तौर पर वैलिडिटी 4 स्केलों पर मालूम की जाती है। अभी मैंने आपको वैलिडिटी के हवाले से बताया है कि जो टेस्ट की वैलिडिटी होती है वो टेस्ट का ऑथेंटिक होना होता है, कि टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है क्या उसके मियार पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। इसके अलावा
अगर हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की तरफ आएं तो एक एमएमपीआई टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी की जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसकी तनकीद के हवाले से बात करें तो तमाम तर मशहूरी और वसी पैमान पर इस्तेमाल के बावजूद एमएमपीआई आजमाइश तनकीद से नहीं बच सकी। पहला मेयार साजी का नमूना बहुत ही छोटा लिया गया और आजमाइश तर आजमाइश टेस्ट री टेस्ट वैलिडिटी की भी तकरीबन सिफर ही रही। और ये टेस्ट क्लिनिकल लेबॉरेटरी के लिए बनाया गया लेकिन ज़्यादातर बाहर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि ये इसके ऊपर तनकीद की गई कि मियारी नमूना छोटा लिया गया और टेस्ट री टेस्ट की वैलिडिटी सिफर रही। उसका अगर कंपेरिजन हम करेंगे टेस्ट क्लिनिकल के लिए बनाया गया स्पेसिफिक, लेकिन क्लिनिक से बाहर जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में इतलाकी नफ्सियात और क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एमएमपीआई की पाकिस्तान के मुताबिक मियार साजी की, मतलब कि इसको खुद से डिज़ाइन नहीं किया बल्कि इसकी मियार साजी की इस क्योंकि ये टेस्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन हुआ और बाद में बहुत सी इसमें जो है वो चेंजिंग की गई और पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक इसको तैयार किया गया। तो इसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर इसको इसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, ये कैटल ने डिज़ाइन किया। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स से मुराद 16 शख्सी खसूसियात हैं जिनका उसने जिक्र किया कि 16 ऐसे अवामिल हैं जिनसे पता चलता है कि शख्स की फर्द की शख्सियत कैसी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या उसमें एबिलिटीज पाई जाती हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक फर्द की, उसकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग के हवाले से अगर मेन हम 16 पीएफ पे चले जाएं तो उसकी 16 कौन कौन सी ऐसी उसमें खसूसियात पाई जाती हैं जिनकी बुनियाद पर हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं या हम उसको जज कर सकते हैं। मतलब कि होता है ना कि एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके हवाले से हम उस फर्द को जज करते हैं कि उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और इसी के बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेन ये करेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। तो नकाद होते हैं जो उसको कापी करने वाले होते हैं, उन्होंने कैटल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बुनियादी उसाफ की दरियाफ्त और उनके नाम रखने के लिए गैर मुस्तकिल और उसकी स्केल्स की के सही पेशगोई नहीं करते, मतलब कि इतना अच्छा उसके ऊपर वो रिजल्ट नहीं दे रहे। तहम कैटल अपने तरीकों को मुतवातर बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा और इसका टेस्ट बाज़ मौजूदात पर खास तारीफ के काबिल है, मतलब बहुत सी एफर्ट के बाद और बहुत सी टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाने के साथ साथ ऑथेंटिक करने के साथ साथ उन टेस्ट आइटम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उन टेस्ट में कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी इस हद तक उनकी मतलब कि बेहतर हो चुकी होती है। ये ग्रूमिंग हवाले उस हवाले से कि फ़र्द की पर्सनैलिटी को वो बता सकें, उनकी प्रडिक्शन कर सकें उस फर्द की पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है CPI द कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री या टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये वो इन्वेंट्री या साइकोलॉजिकल टेस्ट वो टेस्ट हैं जो फर्द की पर्सनैलिटी को या फर्द की किसी भी कोई भी खसाइस जो उनको वो मैयर करे इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है CPI भी एक मारूजी आजमाइश है जो शख्सियत की पैमाइश करती है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कोई भी टेस्ट किसी भी टेस्ट के बारे में अगर लिखने लगे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाता है कि डिफाइन MMPI, डिफाइन 16 PF, डिफाइन CPI, सबसे पहले तो आप पहली एक दो लाइन में यही बताएं कि इंट्रोडक्शन दें कि ये शख्सियत की मारूजी आजमाइश है, इसमें शख्सियत की मारूजी टेस्टिंग की गई है, देखा गया है शख्सियत को जज किया गया है और बाद में बताएंगे इस शख्सियत के ऊपर इस टेस्ट के ऊपर किसने काम किया है, इसकी वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। तो MMPI के तस्वर की तरह CPI कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री खासतौर पर नॉर्मल लोगों के औसाफ की पैमाइश के लिए बनाई गई है,
तीन वैलिडिटी स्केल के अलावा 15 ज़ेली स्केलें बनाई गई हैं, जिनसे हाकमियत, खुद कबूलियत, जिम्मेदारी, खुद इंजबाती वगैरह के स्कोर का पता चलता है। मतलब कि इन चीज़ों के हवाले से, हाकमियत, खुद कबूलियत, जिम्मेदारी, इन चीज़ों को चेक करने के लिए बनाई गई है और आमतौर पर नॉर्मल लोगों के औसाफ की ये पैमाइश करती है। MMPI की तरह ये ज़ेली स्केलें मियारी ग्रोहों पर बनाई गई है। CPI के मियारी ग्रोह इन लोगों पर मुश्तमिल थे जिनके साथियों ने टेस्टों के मुताबिक ताकतवर कहा था। और माहिर तजिया निगारों के मुताबिक टेस्ट से ही पेशगोई करता है कि लोग अहम मौका पर क्या करेंगे और लोग इन्हें क्या समझेंगे। CPI जो है वो ज्यादातर बेसिकली नॉर्मल टेस्टिंग करती है और नॉर्मल औसाफ की मेजरमेंट करती है। देखें, हम जितना हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, हमारे औसाफ क्या होने चाहिए, हमारे क्या खसाइस होने चाहिए, हमारी एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, जनरल क्या होनी चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं उनकी टेस्टिंग के लिए जो स्केल तैयार किए जाते हैं वो उनको कहा जाता है कि वो नॉर्मल औसाफ को चेक करते हैं। इसी तरह से CPI भी जो ज़्यादातर डिसऑर्डर्स को नहीं बल्कि आपके पर्सनैलिटी के नॉर्मल औसाफ को चेक करता है। आप किस तरह के, आपका मिजाज कैसा है, आप किन चीज़ों को कबूल करते हैं, किन चीज़ों को कबूल नहीं करते, आप बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत डोमिनेंट हैं, आप एफिलिएशन पसंद करते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप बहुत सोशल हैं, कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है द एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केल। ये जो EPPS टेस्ट है, आपको बाजू का आता क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी आता है कि डिफाइन EPPS, डिफाइन 16PF, डिफाइन MMPI। तो आपने एब्रीवेशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है साथ साथ कि ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है। जैसे कि EPPS के बारे में है कि द एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केल है, तो सबसे पहले तो उसको आप डिफाइन एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद उस टेस्ट के बारे में लिखें। CPI की तरह ये स्केल नॉर्मल जवाबी रुझान की पैमाइश करती है। ये स्केल लोगों की गालिब जरूरियात और मुहरकात की खसूसियात बयान करने के लिए बनाई गई है, जो मरे की बुनियादी जरूरियात की फहरिस्त में पाई जाती हैं। मसलन तहसील, तहसील का मतलब होता है हासिल करना, दिफा, तरबियत, नुमाइश, खुद इख्तियारी वगैरह। इस टेस्ट को बनाते वक्त एडवर्ड 1954 बहुत शख्सियती आजमाइशों में पाए जाने वाले तासुब से बचना चाहता था। वो मुमकिन तासुब ये था कि मामूलों का रुझान था कि वो ऐसे जवाब दें जिनसे वो समाजी तौर पर पसंदीदा नजर आए। मतलब कि वो मतलब कि जो टेस्ट है उसमें वो जो तासुब है उसके हवाले से उसने काम किया। और वो मामूल, मामूल कौन होते हैं जो टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो उसका ये था कि वो इतने कॉन्शियस ना हो जाए कि हमें तो बस अच्छी चीज़ों को ही आंसर करना है और नेगेटिव चीज़ों को हमें आंसर नहीं करना। ठीक है, तो जो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट डिज़ाइन किया गया और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। इसने जो है वो मुख्तलिफ एडवर्ड टॉल मैंने मुख्तलिफ जो पेयर्स बनाए, पेयर बनाए और पेयर के हवाले से उनका कंपैरिजन किया और उन टेस्ट को के ऊपर बाद में टेस्टिंग की और वेरिफिकेशन उसकी की। नेक्स्ट इसमें आ रहा है ACL दी एडजेक्टिव चेकलिस्ट। ये एक बहुत सादा हमदान मारूजी टेस्ट है, 300 सफात पर मुश्तमिल है। इन सफात को हरूफ अबजद के लिहाज से तरतीब दिया गया। अक्सर लोग शख्सियत के बयान में इन सफात का इस्तेमाल करते हैं। उनकी शख्सियत की तखमीन कारी करते वक्त तखमीन कार इन सफात की चेकलिस्ट से वो सफात चुन लेता है जो जेर तखमीन शख्स की शख्सियत से मुताबिक, मतलब कि उन चीज़ों को उसमें से ले लिया जाता है जो उस फर्द की पर्सनैलिटी से मैच करती हैं। तो ये भी ACL भी एक अच्छी आजमाइश है, अच्छा टेस्ट है जो डिजाइन किया गया है फर्द की पर्सनैलिटी की जजमेंट के हवाले से। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पर ACL जो है वो इसकी लास्ट हेडिंग है। इनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें जो मेन मेन है ना, जैसे कि MMPI आ रहा है तो ये किसने बनाया और इसके ऊपर इसमें कितने टेस्ट आइटम थे, बाद में इनको किस तरह से समराइज किया गया और इसकी क्या वैलिडिटी है और क्या रिलायबिलिटी है, इतना जो है वो आप हर टेस्ट में लिखिएगा। देखिए, ये सब जो टेस्ट हैं ये पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, लेकिन डिफरेंट जो है वो इसमें थोड़ी थोड़ी रद्दो बदल के साथ हैं, लेकिन ये याद रखिए मैयर सारे जो पर्सनैलिटी को ही कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की तरफ। इससे पहले हमने जो है वो स्टडी किया
नॉन प्रोजेक्टिव को, अभी हम प्रोजेक्टिव को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि जैसे कि हमने नॉन प्रोजेक्टिव में देखा कि वो मरूजी आजमाइश है, तो इसी तरह से जो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये हमारे पास गैर मारूजी आजमाइशें हैं। तो मारूजी में तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उनमें क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव वाइज होते हैं। जैसे कि हम जामिया कोई नोट या कम्प्रिहेंसिव या नोट या ऐसे टाइप हम उनसे शख्सियत की मेजरमेंट के हवाले से हम उनसे कोई ऐसा टेस्ट ले सकते हैं जिसमें उन्होंने हमें बहुत ही लंबा चौड़ा या जामिया मजमून लिख के देना हो। मतलब हम उनको कोई ऐसा टॉपिक दे देंगे जिससे उनकी पर्सनैलिटी की मेजरमेंट हो सके, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या इन ये वाली चीज़ें नहीं हों। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यही जो टॉपिक है ये कल स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और हम इसको इस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर था इसमें अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो किसी भी तरह की कंफ्यूजन है या कोई कोई ऐसा वर्ड है जिसके आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही जो शख्सियत की तजलीली आजमाइशें हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, तो इनके ऊपर भी, इनके हवाले से भी थोड़ी सी रीडिंग भी करिएगा। फिर कल हम इसके हवाले से जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से इसको बुक से भी करेंगे, और साथ में आप लेक्चर भी लेंगे, एक पेंसिल और एक नोटबुक भी अपने पास रखा करें। तो अभी आपके पास एक दो टाइम, एक दो मिनट हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज साइकोलॉजी की बेटा क्लास होगी, फुल वीक नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में बता दिया करें। ओके, आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी क्लास होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।